मार्च तक मोदी कैबिनेट में बड़े विस्तार की तैयारी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से नए चेहरे आएंगे। कई मंत्रियों की छुट्टी भी की जा सकती है। बिहार से जेडीयू से मंत्री बनेंगे। एलजेपी से पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से अपना दल से मंत्री बनाया जा सकता है। उधर निषाद पार्टी से भी मंत्री बन सकते हैं। तो आपको हम बता दें कि कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उससे पहले आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी जो कि टल गई है। इस बीच सिंधिया ने देवास दौरा रद्द कर दिया है और दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले आपको हम बता दें कि सिंधिया की फोटो आई थी, तस्वीर सामने आई थी जिसमें कि वो महाकाल के दर्शन करते हुए नजर आए थे और उसके बाद बताया जा रहा था कि एकदम से उन्होंने अपने सारे प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया है और दिल्ली के लिए अब वो रवाना हो रहे हैं। तो आपको हम बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में वो कौन कौन से नाम है जो शामिल हो सकते हैं, किस पर चर्चा हो रही है, वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। क्योंकि इसी हफ्ते ये बड़ा फैसला हो जाना है। लेकिन वो कौन कौन से नाम है जिस पर विचार किया गया है, लगभग मुहर लग चुकी है, वो हम आपको दिखाएंगे। और इनमें से सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व सीएम रह चुके हैं, इनके नाम पर चर्चा है। इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इस विस्तार में जगह मिल सकती है, मोदी सरकार पार्ट 2 में जगह मिल सकती है। तो सर्बानंद सोनोवाल वो नाम है जिनको जगह मिल सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से नाम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपको हम बता दें, इसमें जो दूसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसके बारे में आपको बताया हमने कि फोन उनको जा चुका है और उज्जैन से सीधे अब वो महाकाल के दर्शन करने के बाद वो सीधे दिल्ली पहुंचेंगे और बताया ये जा रहा है कि 3 बजे सीधे वो फ्लाइट लेंगे इंदौर से और उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे। तीसरा नाम पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी बिहार के, उन्हें जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। तो यह भी काफी समय से कयास लगाया जा रहा था। और वरुण गांधी, आपको हम बता दें, वरुण गांधी का नाम काफी समय से बिल्कुल गायब था, राजनीतिक पृष्ठभूमि से ऑलमोस्ट वो गायब ही नजर आ रहे थे। लेकिन इन्हें भी उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए अनुप्रिया पटेल, अपना दल की नेता जो है, अभी हाल फिलहाल में इनकी मुलाकात भी हुई थी, गृहमंत्री से भी मुलाकात हुई थी। इधर निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद जो है, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। साथ ही राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है और लगभग तय बताया जा रहा है। संतोष कुशवाहा, इनके नाम पर चर्चा। पशुपति पारस, अभी एलजेपी में जो कुछ भी बिहार में विवाद हुआ और जिस तरह से इन्हें नेता एलजेपी का बनाया गया और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को भी जगह मिल सकती है। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं जहां से लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जहां से वो चेहरे आ सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री के, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार 2 जो इनका है, उसमें मंत्रिमंडल विस्तार में इन राज्यों से चेहरे सामने आ सकते हैं, उन्हें जगह मिल सकती है। आपको हम बता दें, इसमें कई बातें हैं। देखिए, जेडीयू की बात करें, अगर हम जेडीयू, एलजेपी और अपना दल, यहां पर अगर हम बिहार की चर्चा करें तो बिहार में जेडीयू का साथ मिला तभी जाकर के वहां पर चुनाव में जीत भी मिली, इसलिए जेडीयू को मौका देना काफी अहम हो जाता है। एलजेपी में पशुपति पारस जो है उन पर विचार हो रहा है। और आपको हम बता दें, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, उनको भी जगह दी जा सकती है, अपना दल से भी मंत्रिमंडल विस्तार जो ये हो रहा है कैबिनेट में, अपना दल की नेता को जगह मिल सकती है। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बताया ये जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके मद्देनजर भी राजनीतिक और जातीय समीकरण को देखते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है उन चेहरों को, उन नेताओं को जो कि मायने रखते हैं। मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे, और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि
के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है, कितनी बजे निकलना है और क्या? यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, दो तीन लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित, रवीश और हिमांशु, साथ ही साहिल हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। तो सीधे हम लिए चलते हैं आपको पटना रोहित के पास और उनसे हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं। रोहित, जो कुछ भी वहां पर गतिविधि चल रही थी पिछले कुछ दिनों पहले, वहां देखिए दो फैक्टर है, एक तो जेडीयू फैक्टर है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि जेडीयू से भी मंत्री पद जो है वो मिल सकता है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरा एलजेपी को लेकर, वहां पर पशुपति पारस को भी मंत्री बनाए जाने की, कैबिनेट में जगह मिलने की खबर सामने आ रही है। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट, काफी मायने रखता है, एक तरह से संदेश भी देता है एलजेपी और बाकी दूसरे लोगों को। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एलजेपी की बात बता दूं कि एलजेपी में जिस तरीके से पिछले दिनों टूट हुई थी उसके बाद से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान अब केंद्र में मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि रामविलास पासवान के दिवंगत होने के बाद एलजेपी कोटे से एक एमपी को जो है मंत्री बनना तय था और ऐसे में जो विवाद हुआ परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर, उसके बाद चिराग पासवान का पत्ता उसी वक्त कट गया था, ये सबको पता था। और पशुपति पारस जिन्होंने बगावत की थी उनको अब लगभग तय है, उनका केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय है। और जहां तक जेडीयू की बात अगर हम करें तो जेडीयू में भी जो दो तीन नाम जो है वो चल रहे हैं और सूत्रों के माने तो दो सीट जो है वो मिल सकता है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा मोदी सरकार का केंद्र में। और इसमें जो सबसे ऊपर नाम है वो है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनका नाम सबसे ऊपर है कि उन्हें केंद्र में जो है वो जगह मिल सकती है, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो दो तीन नाम और चल रहे हैं उसमें ललन सिंह का भी नाम चल रहा है जो कि वरिष्ठ नेता है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। इसके साथ ही रामनाथ ठाकुर जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं उनका भी नाम चल रहा है और साथ ही चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो जहानाबाद से एमपी हैं उनका भी नाम चल रहा है, वो भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं। तो जहां तक जातिगत समीकरण की बात करें तो आरसीपी सिंह को लगता है केंद्र मंत्री बनाया जाना तय है लगभग, लेकिन इसके अलावा अब दूसरा कौन होगा जिसे जगह मिलती है ये देखना बड़ी बात होगी। श्वेता, बिल्कुल, साथ ही साथ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपसे साहिल जाना चाहेंगे, बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में आए रंजीत नाइक को और साथ ही साथ हिना गावित का नाम जो है वो भी सामने आ रहा है। साहिल हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं, तो साहिल आपसे हम जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में इस वक्त जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है इसमें इन नामों का सामने आना और साथ ही साथ नारायण राणे जो है उन्हें फोन जा चुका है, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, इस तरह की खबर है। साहिल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरी आपकी आवाज मुझे आ पा रही है। जो नारायण राणे का नाम जिसके वजह से सामने आया वो बात साफ हो जाती है कि नारायण राणे के वहां पर जाने से एक बात साफ हो गई है कि नारायण राणे ये शिवसेना के दूर विरोधी माने जाते हैं और नारायण राणे को यहाँ पर मंत्रिमंडल में लेना ये साफ दिखाता है कि मराठा राजनीति को लेकर और उसके साथ साथ शिवसेना के खिलाफ बीजेपी की क्या भूमिका रहेगी उसको लेकर उनकी भूमिका साफ नजर आती है। रणजीत साइक निम्बालकर से जो बात हुई है उससे उनका ये कहना है कि अभी तक उनको कॉल नहीं आया है। प्रीतम मुंडे का नाम चल रहा है क्योंकि एबीसी ये महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और पंकजा मुंडे की हार के बाद ओबीसी सेक्शन जो है वो बीजेपी से खफा ना हो इसकी कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी की तरफ से चल रही है और इसीलिए डॉक्टर प्रीतम मुंडे जो पंकजा मुंडे की बहन है उनका नाम इस पर काफी उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल पुष्टि नारायण राणे से ही हो पाई है कि नारायण राणे दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली जाकर वो आज शाम को 4 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, हिमांशु हमारे साथ बने हुए, हिमांशु आपके पास क्या अपडेट? आज एक बड़ी बैठक होने वाली थी, कल कैबिनेट की बैठक है, उससे पहले ये बैठक आज की टल गई है, तो क्या हम माने कि क्या अभी भी आखिरी मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक अभी भी कुछ सलाह मशवरा होना बाकी है इसलिए ये बैठक टली है?
देखिए श्वेता, बिल्कुल सलाह मशवरा जो है अंतिम समय तक चलता रहता है, और ये जरूर है कि जिन मंत्रियों की जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑडिट कर दी गई है, उनके मंत्रालय के कामकाज का जो है वो सारा जो है देख लिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। उनसे ये भी पूछा गया कि दो साल का अगले आपका क्या कामकाज रहने वाला है, वो सारी चीजें लेके ऑडिट कर दिया गया है। लेकिन किन किन को मंत्री बनाना है, किस समीकरण के हिसाब से कौन फिट बैठेगा मोदी मंत्रिमंडल के अंदर, क्या संदेश देना है, ये सारी चीजें जो है अभी उसको लेके चर्चाओं चल रही है। और जहां जहां चर्चा पूरी हो चुकी है जिस स्टेट के हिसाब से वहां से कॉल कर दिया गया, जैसे साहिल भी बता रहे थे, हम लोग भी बात कर रहे हैं सुबह से, नारायण राणे को उनको दिल्ली बुलाया गया, जेपी नड्डा की तरफ से कॉल गया है, वो दिल्ली आ रहे हैं। और क्योंकि नारायण राणे शिवसेना के खिलाफ रहने वाले आदमी है और कोंकण बेल्ट में उनका एक खासा अच्छा खासा प्रभाव है, अगर आप देखें तो कोंकण में जब से नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी है तब से जो है शिवसेना बहुत कमजोर हो गई है, और इसीलिए नारायण राणे बीजेपी में आए, बीजेपी को कोंकण के अंदर एक अच्छी खासी पैठ बनी है, वहां से उनको विधानसभा में अच्छी सीटें मिली, लोकसभा के अंदर सीट मिली है। तो इस तरीके से जातिगत समीकरण, वहां के जो राजनीतिक हालात हैं स्टेट्स के, वहां उन सब चीजों को देखकर जो है अभी भी सलाह मशवरा चल रहे हैं। लेकिन जहां जहां जिस स्टेट के हिसाब से पूरा हो गया वहां से उनको बुला लिया गया, जैसे एलजेपी की तरफ से पशुपति पारस को अगर मंत्री बनाना है तो कल देर रात उनको कॉल आ गया था, वो रात को 9 बजे जो है वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गए हैं। अब जेडीयू से कौन कौन मंत्री बनेगा ये नीतीश कुमार को तय करना है, क्योंकि बिहार के अंदर अगर हम देखें तो वहां से अभी 5 मंत्री हैं बीजेपी के, और रविशंकर प्रसाद है, आरके सिंह है, अश्विनी चौबे हैं, नित्यानंद राय हैं। तो ये जो मंत्री हैं अब ये सारे अपर कास्ट हैं, गिरिराज सिंह अपर कास्ट हैं, एक ओबीसी हैं यादव नित्यानंद राय, तो वहां पर बैकवर्ड कास्ट को कैसे और देखना है, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट एससी कम्युनिटी को कैसे देखना है, ये सारी चीजें जो हैं वो जरूर देखेंगे नीतीश कुमार जब अपना अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल के लिए नाम भेजेंगे, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, ललन सिंह हो, या संतोष कुशवाहा हो, या रामनाथ ठाकुर हो जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं जो बहुत बड़े नेता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये जातिगत समीकरणों को भी जरूर, ये तमाम वो समीकरण है जिसको लेकर विचार विमर्श चल रहा है, और आखिरी मोमेंट तक जैसा कि आपने भी कहा कि ये चलता रहेगा। लखनऊ चलते हैं सीधे कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, चुनावी राज्य है उत्तर प्रदेश, ऐसे में जो खबरें आ रही है, बताया ये भी जा रहा है कि वहां से 3 से 4 मंत्री हैं जिन्हें जगह मिल सकती है, जिसमें अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के बारे में भी बताया जा रहा है कि उन्हें भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने की खबर है। बिल्कुल श्वेता, कई नाम हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में है उत्तर प्रदेश से, और उम्मीद ये की जा रही है कि चूंकि 2022 में चुनाव है फरवरी मार्च में कुछ महीनों के बाद, तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रहा है। अभी तक जो नाम पहले से मंत्रिमंडल में है, राजनाथ सिंह है, संजीव बालियान है, वीके सिंह है, ऐसे नाम अभी तक मंत्रिमंडल में है, लेकिन इस बार बड़ा चंक मिलेगा। जो नाम चल रहे हैं उसमें वरुण गांधी का नाम है, रीता बहुगुणा जोशी का नाम चल रहा है, इसके अलावा सीमा द्विवेदी के बारे में कहा जा रहा है जो कि राज्यसभा सांसद हैं जौनपुर से, इसके अलावा हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद हैं, उनकी बात चल रही है। तो ये ब्राह्मण चेहरे हैं जिनका कि नाम अभी तक आगे चल रहा है। पिछड़ी जाति में बात करें तो अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है और वो कैबिनेट में जाएंगी। जो संजय निषाद हैं उनके बेटे प्रवीण निषाद जो कि बीजेपी से सांसद हैं संत कबीर नगर से, उनका नाम आगे चल रहा है। साथ साथ विनोद सोनकर, एसपी सिंह बघेल, ऐसे कई नाम हैं जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश से जो कैबिनेट की चर्चा है उसमें इनके नाम हो सकते हैं, लेकिन कौन होगा ये कहना मुश्किल है। मैंने कई लोगों से बात की, किसी ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि उनके पास कोई कॉल आया है या नहीं, या फिर लोगों ने अभी तक बताना ठीक नहीं समझा है, लेकिन कई सारे लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली में हैं। तो माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के यहां से कई सबसे ज्यादा लोग मंत्रिपरिषद में जा सकते हैं। अब देखना यह है कि एक और जो कि कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी, हालांकि वो दिल्ली से सांसद हैं लेकिन चूंकि पूर्वांचल में उनका बेस है, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर उनके चाहने वाले ज्यादा हैं, हो सकता है कि उन्हें भी उनका नाम भी उत्तर प्रदेश के कोटे से भी माना जा रहा है कि वो अगर बनाए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और रवीश के पास चलते हैं। रवीश, मध्य प्रदेश से बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व वहां पर जो अध्यक्ष है, साथ ही साथ जबलपुर से सांसद हैं, उनका नाम राकेश सिंह का नाम भी सामने आ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही, उन्हें तो फोन जा चुका है, वो आ भी रहे हैं दिल्ली, लेकिन राकेश सिंह का भी नाम वहां से सामने आ रहा है।
जी बिल्कुल, राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, और उसके बाद वो जबलपुर से सांसद है, लगातार दूसरी बार वो सांसद बने हैं और एक बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश भाजपा में उन्हें माना जाता है। और जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का दबदबा अभी पहले से ही था और अब जो विस्तार होने जा रहा है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही राकेश सिंह का नाम भी जो है वो शामिल हो जाए। अब आपको बताया, दरअसल राकेश सिंह को लेकर के क्यों सुगबागाट हो रही है, क्योंकि राकेश सिंह जो है वो कौशल के इलाके से आते हैं। मध्य प्रदेश में जब हम देखते हैं तो अलग एक सेकेंड आपको रोकना चाहेंगे रवीश, हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। श्वेता जी, जी श्वेता थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे और राज्यसभा के अंदर नेता सदन थे, उनको गवर्नर कर्नाटका बना दिया गया है, तो ये कह सकते हैं कि थावरचंद गहलोत को जो है वो हटा दिया गया है मंत्रिमंडल से। अब उनकी जगह मध्य प्रदेश से कौन नए चेहरे आएंगे, इसको लेकर जो है ये बात साफ हो गई है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो अगले एक से दो दिन के अंदर हो जाएगा। थावरचंद गहलोत कर्नाटक से मंत्री हैं और जो है कंबलपति इज अपॉइंटेड इज गवर्नर ऑफ मिजोरम, और जो है मंगू भाई पटेल जो है अपॉइंट इज अ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, राजेंद्र वर्धन आकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, श्रीधरन पिल्लई गोवा के गवर्नर, सत्य नारायण आर्या अपॉइंट टू त्रिपुरा, रमेश बैस को जो है ट्रांसफर किया गया झारखंड, और बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया। एक मेजर चेंज जो है वो राज्यपालों को लेकर भी किया गया, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि थावरचंद गहलोत को जो है कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। ये एक बड़ा संदेश है कि थावरचंद गहलोत अब जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे और उनको कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया, तो ये देखना जरूर होगा कि मध्य प्रदेश से उनकी जगह किस नए चेहरे को जगह मिलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही है, राकेश सिंह का नाम हम सब बता रहे हैं कि चल रहा है, लेकिन क्या उनकी जगह किसी बड़े दलित चेहरे को लाया जाएगा, और राज्यसभा में थावरचंद गहलोत की जगह जो है वो कौन जो है नया जो है सदन नेता बनेंगे। बिल्कुल, और रवीश जिस तरह से हम बता रहे हैं, जो बड़ी खबर हिमांशु ने अभी बताई, थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि गवर्नर लेवल पर भी काफी कुछ यहां पर अभी नई नई खबरें आ रही है जो कि हिमांशु हमें बता रहे हैं। हिमांशु, और क्या अपडेट्स अभी आप बता रहे थे, थावरचंद गहलोत के अलावा और किन किन को राज्यपाल या फिर उनको गवर्नर बनाया गया है, और भी आप कुछ नाम बता रहे थे, मंगू भाई छगन भाई को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल का दर्जा मिला है। जी हिमांशु, बिल्कुल, राजेंद्रन विश्वनाथन आर लेकर जो है वो नए गवर्नर बनाए गए हैं, और उनके साथ जो उनको गवर्नर बनाया गया मध्य प्रदेश का, और पीएस श्रीधरन पिल्लई ट्रांसफर टू जो है वो किया गया है उनको गोवा का गवर्नर, सत्यनारायण आर्या को त्रिपुरा का गवर्नर, रमेश बैस जो त्रिपुरा के गवर्नर थे उनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया है, बंडारू दत्तात्रेय अपॉइंट किया गया है उनको हरियाणा का गवर्नर बनाया गया। तो एक बड़ा चेंज जो है वो गवर्नर्स को लेकर भी किया गया है, और उसमें थावरचंद गहलोत जो नेता सदन थे राज्यसभा में और सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे इस सरकार के अंदर, एक बड़ा दलित चेहरा थे, उनको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है। तो अब देखना यह है कि राज्यसभा में नया नेता सदन कौन होने जा रहा है, और साथ ही साथ उनकी जगह सरकार के अंदर नया दलित चेहरा कौन होगा। तो ये माना जा सकता है कि राज्यसभा की एक सीट जो है वो वहां से खाली हो रही है, जिसका टर्न जो है लगभग 3 साल का रहेगा, क्योंकि थावरचंद गहलोत 2018 के अंदर राज्यसभा के सांसद चुने गए थे, तो 3 साल का टर्म है। तो ये माना जा सकता है कि एक जो मंत्रिमंडल में किसी नए मंत्री को शामिल किया जाएगा, ना लोकसभा से सांसद होंगे ना राज्यसभा से, तो ऐसे किसी नए चेहरे को लाकर जो है जगह दी जा सकती है। थावरचंद गहलोत को राज्यसभा से हटाया गया है और उनकी जगह नया चेहरा आएगा जो मंत्रिमंडल में भी रहेगा और राज्यसभा का सांसद भी मध्य प्रदेश से उनको बनाया जाएगा। बिल्कुल हिमांशु, आप चूंकि बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, और आपने जैसा बताया अभी गवर्नर को लेकर जितने जो चेंजेस अभी सामने आए हैं, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, मंगू भाई छगन भाई को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल उनके तौर पर उनको बनाया गया है, ऐसे में हिमांशु आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, इस बीच गवर्नर्स को लेकर के यहां देखिए अलग अलग कई राज्यों में हमने देखा है कि यहां पर गवर्नर नए नए अपॉइंट किए जा रहे हैं, इसे किस तरह से देखा जाए,
अचानक से, क्या ये पहले से तय था या अचानक से ये खबरें किस तरह से आई हैं? देखिए, ये कुछ कुछ चीजें मैंने वही कहा कि सरकार ने के मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस ऑडिट थी वो पिछले कुछ समय से चल रही थी और सरकार जो है लगातार एक एक करके कदम उठा रही है। थावरचंद गहलोत को जिस तरीके से कर्नाटक का गवर्नर बनाया गया है वो एक सरकार का बड़ा कदम है, क्योंकि थावरचंद गहलोत सरकार के अंदर एक बड़े पोर्टफोलियो पे थे, सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, साथ ही साथ राज्यसभा में नेता सदन भी थे। तो ये अगर उनको कर्नाटक का गवर्नर बना के जो है सरकार की तरफ से अगर ये संदेश दिया जा रहा है कि हम नए चेहरों को जगह देंगे, युवा चेहरों को जगह देंगे, थावरचंद गहलोत लगभग 70 साल के हैं, तो ये माना जा सकता है कि इस कैबिनेट विस्तार में नए युवा चेहरों को अनुभव के साथ जो है जगह मिलेगी और मंत्रिमंडल के अंदर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं हमको आने वाले दिनों। बिल्कुल, आप बने रहे हिमांशु और तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, थावरचंद गहलोत जो कि राज्यसभा में आपको बता दें सदन के नेता थे और एक बड़ा दलित चेहरा मध्य प्रदेश से, उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का। अब ये खबरें आ रही है यानी कि मंत्रिमंडल में, तो अब मंत्रिमंडल से वो आउट है क्योंकि कर्नाटक का उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है। मंगू भाई छगन भाई एमपी के नए राज्यपाल होंगे, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है। तो आपको बता दें कि गवर्नर लेवल पर भी बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है, सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। हम रुकेंगे यहां पर एक और छोटी से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में बड़े विस्तार की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक 20 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र से नए चेहरे आएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहां पर राज्यपाल के स्तर पर भी काफी बदलाव हुए हैं। सबसे बड़ा नाम थावरचंद गहलोत, इन्हें बनाया गया है कर्नाटक का राज्यपाल। बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल गवर्नर बनाया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, एक तरफ 20 नए चेहरों के शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब न्यू टीम जो कि जल्द आने वाली है, क्या ये संकेत इससे मिल रहे हैं कि ये जो न्यू टीम है वो यंग टीम होगी, यानी कि जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, उन्हें मोदी सरकार कैबिनेट में जगह देने की सोच रही है। सर्वानंद सोनोवाल जो है वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कई दौरा था, कई कार्यक्रम थे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, लेकिन अचानक से उज्जैन उनके जाने का, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि पहले से उनका प्लान था लेकिन उज्जैन के बाद वो आगे ना जाकर सीधे दिल्ली आ रहे हैं। इस बीच मंत्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल होंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। और मंगू भाई छगन भाई मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। तो राज्यपाल के स्तर पर किस तरह से यहां पर बदलाव किए गए हैं, बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है, आपको हम बता दें। लेकिन इस बीच जो बड़ा नाम, क्योंकि मध्य प्रदेश से सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो देखिए कहां कहां पर बदलाव हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं। रमेश बैंस झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। तो रमेश बैंस को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। सबसे बड़ा नाम थावरचंद गहलोत का, जो कि आपको हम बता दें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री फिलहाल हैं भारत सरकार में, ये क्या मंत्री हैं, इनको बनाया गया है कर्नाटक का गवर्नर। पौलोमी साहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। पौलोमी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बड़ी खबर, कैबिनेट विस्तार को लेकर जो नए नाम अब सामने आ रहे हैं, क्या हम समझे, क्योंकि अभी हम इस पर बात ही कर रहे थे कि यहां पर अब गवर्नर लेवल पर खबरें सामने आई, नए नए गवर्नर बनाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, आपके पास क्या जानकारी, क्या आखिरी मुहर, आखिरी स्टैंप लग चुका है उन नामों पर या फिर चर्चा अभी भी जारी है? श्वेता, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो आखिरी मुहर है वो लग चुका है, क्योंकि फोन जाना शुरू हो चुके हैं, जो दिल्ली से बाहर है उनको बाहर बुलाया जा रहा है और कुछ लोग हमारी इंफॉर्मेशन के अनुसार दिल्ली में इस दोपहर तक लैंड भी कर जाएंगे। उनमें से कुछ नाम जिनसे हमने खुद बातचीत की है और पता उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया है, वो है नारायण राणे, मेंबर पार्लियामेंट जो राज्यसभा से है, महाराष्ट्र से है, शांतनु ठाकुर बनगांव मेंबर
ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं पश्चिम बंगाल से, मथुआ कम्युनिटी को लेकर काफी उनकी पकड़ है और मथुआ समाज के एक जो एक लीडर होते हैं, रिलीजियस लीडर होते हैं शांतनु ठाकुर, उस ठाकुर परिवार से आते हैं और सांसद है बनगांव के, उनको भी ये जो कॉल है वो जा चुका है। सर्बानंद सोनोवाल हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो खुद असम से दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो पिछले कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर दिल्ली में थे, उन्होंने अलग कटसी मीटिंग्स भी की थी और आज हमारे इन्फॉर्मेशन के अनुसार वो भी पहुंच रहे हैं। जहां तक हम दूसरे पार्टीज की बात करें, ये तो भाजपा की बात हो गई, दूसरी पार्टीज की बात करें, जैसे हमने हमें हमारी इन्फॉर्मेशन के अनुसार आरसीपी सिंह जो जेडीयू से हैं वो दिल्ली से दिल्ली पहुंच चुके हैं आज सुबह ही। जेडीयू का काफ़ी वक्त से उनका नंबर लगना था पर लग नहीं रहा था, उनको कैबिनेट में इंक्लूड करना था पर जेडीयू काफ़ी बार्गेनिंग कर रही थी, काफ़ी निगोशिएटिंग कर रही थी कि हमें दो कैबिनेट रैंक चाहिए और एक एमओएस चाहिए। इस पर जो सरकार है पीएम मोदी की सरकार वो पूरी तरह से सहमत नहीं थी, तो अब फाइनली क्या सिर्फ आरसीपी सिंह होंगे, क्या ललन सिंह भी होंगे, ये देखना बाकी है। पशुपति पारस जो इस वक्त लीडर है लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा में, जो अपने चिराग पासवान से अलग हो गए हैं, शायद उनका भी नंबर लग सकता है, वो कल रात से ही दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे कई सारे नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमें पता चल रहा है कि वो उज्जैन में थे, वहाँ से दिल्ली पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पिछले साल से ही वो इंतज़ार कर रहे थे, करीबन डेढ़ साल इंतज़ार किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी भाजपा तभी ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि उनको पहले तो राज्यसभा में लाया जाएगा जो कि लाया गया और उसके बाद उन्हें कैबिनेट में लाया जाएगा सेंटर में और वही अब होने वाला है शायद। तो इन सारे लोगों से और इनके आसपास के सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि ये दिल्ली पहुंच रहे हैं, शायद जो बीजेपी से जो नेता है उनकी मीटिंग होगी जेपी नड्डा से शाम को, जेपी नड्डा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में है अपने दो दिवसीय दौरे पर, वो लौटेंगे शाम को 6 बजे के करीब, उस वक्त शायद इनकी मीटिंग हो बीजेपी वाले नेताओं की, और जो एलाय पार्टीज हैं उनकी शायद मीटिंग होम मिनिस्टर से हो सकती है पर इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। श्वेता बिल्कुल, रोहित सिंह पटना से और रवीश पाल सिंह भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, अगर हम वहां की बात करें, अभी भी बताया ये जा रहा है कि खैर आखिरी फैसला तो नीतीश कुमार ही करेंगे कि किनका किनका नाम जो है वो आगे जाएगा, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह के बारे में लगभग तय है, लेकिन संतोष कुशवाहा और ललन सिंह इनमें से किनका नाम आगे जाएगा इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कुमार ही लगाएंगे कि किनको किनको मंत्री बनाया जाना है, लेकिन जिन नामों की अटकलें चल रही हैं, जब मैंने आपको बताया आरसीपी उसमें सबसे जो है आगे चल रहे हैं रेस में, उनको लगभग तय है केंद्र में मंत्रिमंडल बनना, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना लगभग तय है। इसके अलावा पिछड़ी जाति से दो तीन नाम है वो भी चल रहे हैं, जिसमें चंदेश्वर चंद्रवंशी हैं जो कि जहानाबाद से एमपी हैं और वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। इसके साथ ही अति पिछड़ी जाति से ही रामनाथ ठाकुर आते हैं, उनका नाम भी चल रहा है, संतोष कुशवाहा का भी नाम चल रहा है और ललन सिंह जो कि भूमिहार समाज से आते हैं उनका नाम भी जो है चल रहा है। ऐसे में देखना यह हुआ कि नीतीश कुमार आखिर किसके नाम पर जो है वो मुहर लगाते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जैसे मैंने बताया वो पिछले बार ही उनको मंत्री बनाया जाना था, लेकिन वो आरसीपी सिंह और ललन सिंह का जो एक झगड़ा हुआ कि मंत्री कौन बनना चाहे बनेगा उसको लेकर, उस समय नीतीश कुमार ने कहा कि कोई उस वक्त मंत्री नहीं बनेगा और उस समय कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ जेडीयू, लेकिन अब जो विस्तार होने वाला है, पहला विस्तार होने वाला है नरेंद्र मोदी सरकार का, इसमें आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जाना लगभग तय माना जा रहा है और साथ ही पशुपति पारस एलजेपी से मंत्री बनना भी उनका लगभग तय है और बीजेपी से सुशील मोदी जो कि बिहार में 15 साल उप मुख्यमंत्री भी रहे और केंद्र में अब राज्यसभा के सांसद हैं तो उनका भी मंत्री बनना लगभग तय है। बिल्कुल, रविश बने हुए हमारे साथ। रविश, एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आई थी, राकेश सिंह के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये तो लगभग कंफर्म जो नेम्स हैं, जो नाम है वो तो हुए, लेकिन थावरचंद गहलोत उनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद अब एक बड़ा दलित चेहरा कौन होगा, या फिर वो वहां से अगर प्रतिनिधित्व करे तो वहां मध्य प्रदेश से कौन ऐसा नाम होगा जो कि सामने आएगा और उसे कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये अभी वहां पर कम से कम सस्पेंस है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सस्पेंस है क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश से जो नेता फिलहाल केंद्र में मंत्री बने हुए हैं उसके अतिरिक्त
दो नए मंत्री जो है वो मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया राकेश सिंह का नाम तो चल ही रहा है। लेकिन अब अचानक से हमारी बातचीत के दौरान ही ये खबर आती है कि राष्ट्रपति ने राज्यपाल नियुक्त कर दिए हैं कई राज्यों में, और थावरचंद गहलोत जो कि अभी तक बतौर सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री का पद संभाल रहे थे उन्हें हटा करके अब राज्यपाल बना दिया गया है कर्नाटक का। तो जाहिर सी बात है इतना जरूर तय हो गया है कि जो बात हिमांशु लगातार कर रहे थे जी, जो असेसमेंट किया गया है विभागों का उसके आधार पर ही ये मंत्रिमंडल विस्तार अब तय माना जा रहा है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके असेसमेंट को देखते हुए उनके विभाग बदले जाएंगे या फिर उन्हें हटा करके उनकी जगह दूसरा नया मंत्री बनाया जाएगा। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभागों का प्रभाव है तो उनके विभागों को भी अब हो सकता है अन्य मंत्रियों के बीच दिया जाए। तो इन तमाम अटकलों के बीच अब चर्चा इसी बात पे है कि आखिरकार लगातार डेढ़ सालों से इंतजार कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार में रह करके पहले भी वो कई पद संभाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पास भी अनुभव है बतौर केंद्र में मंत्री रहने का। इसलिए जो उनका डेढ़ साल का इंतजार है वो लगभग अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। और ये जो राज्यपालों की नियुक्तियां की गई है उसमें थावरचंद गहलोत का नाम आना ये बता रहा है कि अगले एक दो दिनों के दौरान मोदी कैबिनेट का विस्तार संभव है और उसी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह को शामिल किया जा सकता है। राकेश सिंह का नाम अचानक से निकल के सामने आया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तो लगभग तय माना ही जा रहा था, लेकिन अब बीते दो तीन दिनों से जो खबरें चली जो अटकलें लगी उसमें अचानक से राकेश सिंह का नाम आना वाकई चौंकाता जरूर है। लेकिन राकेश सिंह एक बड़े नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, महाकौशल का जो जबलपुर संभाग लगता है उसके भी एक बड़े नेता है, इसलिए अगर उनकी भी दावेदारी यहाँ पर है तो इसमें ज्यादा हैरान होने वाली बात है नहीं। लेकिन क्योंकि उनका नाम अभी तक कहीं सामने नहीं आया था, अचानक से राकेश सिंह का नाम सामने आया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो देखना अब यह है कि थावरचंद गहलोत को अगर हटा करके राज्यपाल बनाया गया है तो उनकी जगह किस नए चेहरे को इस जिम्मेदारी दी जाती है सामाजिक न्याय विभाग संभालने की, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कौन सा पद मिलता है मोदी कैबिनेट में यदि विस्तार होता है। बिल्कुल रमेश आएंगे आपके पास। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दे, जो बड़ी खबर सामने आ रही है दोपहर 3 बजे के बाद नारायण राणे जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। आपको हम बता दे बड़ी खबर, बताया जा रहा है कि उनको खुद जेपी नड्डा ने फोन किया था और उनको दिल्ली आने के लिए तलब किया था। और इस बीच जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक नारायण राणे 3 बजे के बाद दिल्ली आएंगे, महाराष्ट्र में जो फिलहाल सियासी समीकरण चल रहा है। और साथ ही साथ नारायण राणे का जो कद है अपने आप में काफी बड़ा है, और सर्वानंद सोनोवाल और शांतनु ठाकुर भी बताया जा रहा है वो दिल्ली आ रहे हैं। सभी नेता दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी कि ये संकेत दे रहा है कि लगभग इनके नाम जो है वो तय है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात ये करेंगे बताया ये जा रहा है, यानी कि 3 बजे ये सभी नेता जब दिल्ली आएंगे उसके बाद सभी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, ये फिलहाल खबरें सामने आ रही है। तो आज 3 बजे के बाद दिल्ली आएंगे नारायण राणे, एक बहुत बड़ा नाम महाराष्ट्र में, जिस तरह की इनकी छवि है, जो कद्दावर नेता है और जो कद है अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए वहां पर अपनी साख और मजबूत करने का। सभी नेता आपको बता दें दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली पहुंचने के बाद यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है, यानी कि ये जो तमाम बड़े नेता हैं इनके नाम कम से कम कंफर्म्ड है। और आइए इस खबर को लेकर नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। ना इसमें मैं तय करने वाला हूं ना आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं, जो उचित लोग हैं वही इस पे आपको कोई जानकारी दे पाएंगे। रक्षा मंत्री जी, क्या जल्दी विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में विस्तार हो रहा है? अभी संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कंसिडर किया जाएगा, ये चर्चा के बारे में आपने सोचा है या आपकी कोई? चर्चा करने से कोई इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है, कोई लाभ भी होने वाली है, केंद्र सरकार के हाथ में है। माननीय मोदी जी हमारे नेता है, वो जो तय करेंगे वही होगा, और पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो संभालेगा। किसी व्यक्ति की विशेषता इसमें नहीं है। काल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस मंदिर के साथ सिंधिया परिवार की अंतरात्मा की भावना जुड़ी हुई है। जब जब मैं उज्जैन आता हूँ तो महाकाल के दरबार में भोग लगाना हमारा धर्म और दायित्व दोनों है। मेरी यही कामना है कि इस कोरोना के युद्ध में मानव जाति को भगवान आशीर्वाद प्रदान करे, विजयश्री प्रदान करे, और उसी के साथ एक अमन चैन का वातावरण हमारे प्रदेश में रहे, सुख समृद्धि के रास्ते में हम लोग चलते रहें, विकास और प्रगति होते रहे, और एक आध्यात्मिक विकास भी हर भारतीय नागरिक का
भगवान महाकाल के आशीर्वाद से होता है। सर, आज सर, आज आप सर आज दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे निकलना है और क्या? यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, दो तीन लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। सर, दिल्ली का बुलावा आया है क्या? मंत्री की शुभकामना आपकी स्थिति। बहुत 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 धन्यवाद, मुझे निकलने दीजिए। तो आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि तीन बजे का उनकी फ्लाइट है, 3 बजे वो रवाना होंगे उज्जैन से। सीधे चलते हैं हम कुमार अभिषेक के पास। अभिषेक, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो चुनावी राज्य है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हमने कुछ दिनों पहले खुद देखा था कि गृहमंत्री से मुलाकात हुई थी अनुप्रिया पटेल की, निषाद पार्टी के नेता जो है वो भी थे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण और चुनाव के मद्देनजर इन तमाम चीजों को देखकर उसके बाद ही मंत्रिमंडल में इन तमाम लोगों को आपके पास आएंगे हम अभिषेक। लेकिन रोहित के पास इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रोहित क्या जानकारी? जी देखिए श्वेता, हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनसे, उमेश कुशवाहा मौजूद है, माफ कीजिएगा, उनसे जानते हैं। सर उमेश जी, जेडीयू क्या कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी और कौन मंत्री बनेंगे ये विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सबको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी खबर। धन्यवाद। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि 3 मंत्री पद जो मांगा गया है जेडीयू की तरफ से, 1 कैबिनेट बर्थ मांगा गया है, 2 MOS मांगा गया है, क्या इसके आप बताएंगे? ये विशेषाधिकार हम लोग के नेता का है, हम इतना ही बताएंगे आपको कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं आरसीपी सिंह, उनके भी नाम की चर्चा चल रही है कि वो भी केंद्र में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे और हम इतना ही बताएंगे, संकेत देंगे कि केंद्र में हमारी पार्टी शामिल हो रही है। सवाल, अति पिछड़ी जाति का भी इसमें आपको लगता है रोल होगा, उनको जगह मिलेगी? इधर नेता बताएंगे इस पर जो है, लेकिन निश्चित रूप से सभी जगह जो है हमारी पार्टी संगठन, हम संगठन देख रहे हैं, हमारी पार्टी जो है संगठन का काम कर रही है, संगठन हम इतना ही बताएंगे कि संगठन जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है शामिल होगी। पिछली बार नहीं शामिल हुए थे, नाराजगी थी, इस बार यानी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल आएंगे रोहित, शामिल हो रहे हैं हम लोग। रोहित आएंगे आपके पास और जानकारी हम लेंगे। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की खबरों के बीच एक अहम खबर राज्यपाल को लेकर सामने आई। आपको बता दें कई राज्यों में नए राज्यपाल बनाए जाने का फैसला लिया गया है। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत बनाए गए हैं। इसी बीच आपको हम बता दें मिजोरम के नए राज्यपाल हरी बाबू को बनाया गया है और साथ ही साथ आपको हम जिस तरह से दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल भी बनाए, इनमें सबसे अहम नाम केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का नाम सबसे अहम है। उनसे मंत्री पद वापस लेकर कर्नाटक का उन्हें राज्यपाल बनाया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।